रेडी रोल। इस समय हम मुंबई के मीनारा मस्जिद इलाके में है, जहाँ पे कि आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार कैमरा पैन करें और ये मीनारा मस्जिद की जो रौनक आप देख रहे हो, ये तकरीबन तीन साल बाद जो ये रौनक है, ये मीनारा मस्जिद की जो गलियों में है वो देखने को मिली है, क्योंकि पिछले जो दो साल थे वो कोरोना काल में जो कटे हैं और कठिन समय जो व्यापारियों के लिए, जनता के लिए, सबके लिए जो गुजरा है, इस साल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार ने जो है तोहफा दिया है मुंबईकरों को और महाराष्ट्र के लोगों को, और शिथिलता दी है जो है लॉकडाउन की जो सख्तियाँ थी उसमें। इस समय मेरे साथ में स्थानिक विधायक हैं अमीन पटेल जी, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। अमीन पटेल जी, इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले काफ़ी सारी शिथिलता दी गई है, पूरी तरीके से छूट दी गई है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, लोग भी काफ़ी खुश है। दो साल कोरोना के अंदर 2020-2021 में रमज़ान के अंदर इस इलाके के अंदर वो रौनक नहीं थी जो हर साल रहती है। लोग कहते हैं कि 200-250 साल पुरानी ये रिवायत है, मोहम्मद अली रोड जो है उसमें सिर्फ लोकल लोग नहीं, इस गली, इस मोहल्ले के आसपास के नहीं, मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, बल्कि पूरे देश से लोग रमज़ान महीने में आते हैं। यहाँ की जो स्पेशल डिशे हैं जो सिर्फ रमज़ान में बनती है उसका लुत्फ़ उठाते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हर मज़हब को मानने वाला लोग जो है, बिरादरान वतन जो है, यहाँ पर आते हैं और इस खाने का मज़ा लेते हैं। और ये सिर्फ रमज़ान में ही मिलता है, ये 365 दिन अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ रमज़ान के 29 दिन या 30 दिन जो रोज़े होते हैं उसी में ये बाज़ार लगता है। और बड़ी पुरानी रिवायत है, लोग यहाँ पर इसका मज़ा लेते हैं। बेहद खुशी की बात है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी है, वो पूरे महीने रमज़ान में यहाँ पर लोग रहते हैं, पुलिस को ताउन करते हैं, लोगों को ताउन करते हैं, और जो लोग आते हैं उनको हर तरह की सहूलत दी जाती है। तो आज एक बार फिर आज दो रोज़े के बाद में जो है यहाँ पर पूरा आप देख रहे हो कि लोग यहाँ पर मौजूद है, खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और पूरे रमज़ान में इंशाल्लाह ये यहाँ पर ऐसे ही माहौल रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत महाराष्ट्र का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस महकमे का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुंबई महानगर पालिका का, जिनके ताउन से ये बाज़ार फिर से यहाँ पे लग पाया। बिल्कुल अमीन जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपने एरिया का दौरा किया, कैसा प्रतिसाद जो है व्यापारियों से, जनता से आपको मिल रहा है? आपने खुद देखा है, आपके कैमरा में एक चीज़ कैद है कि लोगों में बड़ा उत्साह है। दो साल के बाद कोरोना के बाद में लोग बाहर निकले हैं, लोग जो व्यापारी है जो ये कारोबार करते हो उनको भी राहत की सांस मिली है, जो लोग हैं जो रमज़ान में यहाँ आते हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा खुशनुमा माहौल है। और इसके अंदर मुझको पूरा यकीन है कि आने वाले सभी रोज़े में इसी तरह का और इससे अच्छा माहौल रहेगा। जी सर, मैं नाम बोले बिना कुछ पक्षों का नाम लूँगा जो कि दो समाजों में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, जो है आपस में जो है विवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? इस गली के अंदर देखने के बाद में आपको कौमी एकजहती, कौमी भाईचारे की दिखाई दे रही है। हर एक आदमी यहाँ पर बिरादरान वतन, बिरादरान इस्लाम सब मिलकर साथ में एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ये बताता है कि हमारे आपस में कितना प्यार है, कितनी एकता है, कितनी मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल। अमीन जी, क्या अब ये पूरे महीने ये रौनक नज़र आएगी यहाँ पे? इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा। अभी तो आप बहुत आराम से चल सकते हो, फैल सकते हो, आप बात कर सकते हो, आने वाले दिनों में आप देखोगे यहाँ पे पैर रखने की जगह तक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे स्थानीय विधायक अमीन पटेल जी, जिनका साफ कहना था दो साल जो कठिनाई में जनता का गुजरा है उसमें कहीं ना कहीं अब जाके राहत जनता को मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सभी पाबंदियाँ जो है कोरोना की वो हटा दी हैं, मगर जनता को भी चाहिए कि सतर्कता बरते, मास्क लगाएँ और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें, क्योंकि बीमारी गई है, जड़ से नहीं गई है, ये जनता को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अमीन पटेल जी ने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि आने वाला समय इसी तरीके से खुशमय गुजरे। कैमरामैन शफीक साटवेलकर के साथ शैशेक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।